स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम से पढ़ेंगे जुड़वा शब्द। ध्यान देंगे कि कौन सा वर्ड का प्रयोग कहां कहां होता है। तो आज की वीडियो में हम इस जुड़वा शब्द के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का मतलब सारे लोग जानते हैं कि इससे होता है तो निबंध होता है ना। तो इस निबंध को, तो इसका मतलब ही देख लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बेटर है कि इंग्लिश में मैं किया हूं, और हिंदी मीडियम वाले छात्र भी देख रहे हैं तो इनके लिए ये भी बेटर है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ए पीस ऑफ कंपोजिशन है ना, निबंध एक कंपोजिशन का एक क्या है, एक टुकड़ा होता है, तो उसको निबंध हम करते हैं। पहले जानते थे लेकिन अब पूरा डिटेल्स में जान लें। ऐसे तो भाई अब यहां पे सारा चीज सेम है, पर यहां ई है, यहां पे ए है, तो इसका पूरा का पूरा सेंस बदल जाता है। इसका मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रयास या धातुओं की शुद्धता की जांच या अटेम्प्टेड टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मेटल। ध्यान दीजिएगा है ना। अब सेकेंड है वारो है ना। तो सारे लोग जानते हैं कि वारो का मतलब होता है उधार लेना। तो यहां पे लिखा हूं टू टेक लोन है ना। फिर यहां पे होता है वारो। तो फिर यहां पे एक वारो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वारो का छेद होता है, पर कौन सा छेद है कि नहीं। तो यहां पे लिखा गया है ए होल इन द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल का मतलब सब होता है, तो इसका इंग्लिश मीडियम छात्र ध्यान देंगे एवरी थिंग होता है कि नहीं। ऑल ए डब्ल्यू एल का मतलब क्या होता है, ए डब्ल्यू एल का मतलब सारे लोग जानते थे, पर ए डब्ल्यू एल का मतलब क्या होता है, औजार होता है भाई। तो कैसा औजार, कैसा औजार पर ध्यान दे लेंगे। ए स्मॉल पॉइंटेड टूल्स, नोखीले चीज है ना जी, जो कि शू मेकर प्रयोग करता है। ये स्पेशली है, ये यहाँ पे ESP शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, लेदर में किया जाता है, जो कि शू मेकर्स करते हैं है ना। किसके लिए भाई, तो एक छेद करने के लिए, जैसे वो उसमें एक सुई रहता है ना, सुई जैसे चप्पल चप्पल सीता है, उसी को हम यहां पे कह रहे हैं ऑल है ना। अब यहां देखिए ऑयल, अब यहां देखिए कहें कि ऑयल का मतलब क्या होता है, तो ड्रिप होता है, ऐसे आयरन ही बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर मिलिट्री में प्रयोग किया जाता है ऑयल है ना। तो भाई ये भी ऑयल है, तो इस ऑयल का मतलब क्या, यहां पर आई ऐसे ही, और यहां पर देखिए खाली ए बढ़ा है, तो इसका मतलब रास्ता भाई। तो कैसा रास्ता, कहां का रास्ता, इसको हम जानेंगे है ना। लिखा गया है ए पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट चर्च थिएटर एंट्रेंस। जो हम ट्रेन में बैठते हैं, थिएटर में, जो चर्च में बैठते हैं ना कतार लगा करके, उसमें जो जगह होती है जाने के लिए, जिस तरह से क्लास में हम बैठते हैं बेंच इधर और इधर बेंच, ऑफिस में 3 फुट का जो निकल जाता है, जो ये 3 फुट का जो बेंच जो जाता है रास्ता, उसी को हम ये कहते हैं है ना ऑयल है ना। अब ध्यान देंगे अगला डिजीज का मतलब होता है रोग, सारे लोग जानते हैं, पर ये डिजीज का मतलब जो होता है मृत्यु होता है, क्या होता है, मृत्यु होता है। अब देखिएगा डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, योजना होता है, यहां पे नाउन दिया हूं, ये ध्यान दीजिएगा, प्लान मतलब ही योजना होता है, डिवाइस है ना। आई डिवाइस का मतलब क्या होता है, टू प्लान यानी योजना बनाना, यह भर्व दिया हुआ है ना। अब पेडल क्या है, तो पेडल मतलब पैडल होता है, तो जो हम जानते हैं कि साइकिल चलाते हैं तो नीचे का जो पैडल होता है ना, तो उसके लिए है ना। तो कहते हैं फ्लैट बार और ये मशीन सच है बाईसाइकिल और कार, तो कुछ भी जिसको पैडल होता है रखने के लिए, पैर रखने वाले
उसको हम करते हैं पेडल, फिनिश में हम बोलो पेडल, तो इसको मतलब क्या होता है बेचना। अब देखिए यहां पर PEDAL जो है ये क्या होता है पैडल होता है रखने वाला होता है और PEDDAL जो होता है वो बेचना होता है। तो भाई क्या बेचना होता है ध्यान देंगे, तो वैसा चीज को बेचना घर से घर जाके बेचना, क्या जाके बेचना घर से घर जाके बेचने का जो प्रयास करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं मतलब सब्जी जो है लॉकडाउन चल रहा है अभी है कि नहीं, तो लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सब्जी घर से घर जाके बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं पैडल है। अब अगला चलेंगे पी, पी तो सारे लोग जानते हैं मटर होता है, क्या होता है मटर होता है ना, तो कैसा भाई ध्यान दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम छात्र राउंड ग्रीन लेग है ना, तो ये समझ जाइए। अब हम देखें PEEN का मतलब क्या होता है, PEE का मतलब हल्का अंतर है ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा कि PEA है और यहां E है, तो अब ये क्या होगा है ना, तो इसका मतलब होता है पेशाब करना, यूरिन का मतलब का सकते हो है ना। तो यहां लिखा है टू बेक टू पास बेस्ट लिक्विड, बेस्ट लिक्विड है ना, तो कहां से भाई फ्रॉम योर बॉडी, जो बॉडी से हम निकालते हैं है ना खराब लिक्विड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पेशाब करना बोलते हैं। अब ध्यान देंगे ये प्लेन क्या है भाई, प्लेन का मतलब साधारण सुने हम लोग लेकिन हाँ साधारण ही होता है लेकिन क्या होता है फूल तो देखने में और समझने में आसान होता है उसको हम साधारण बोलते हैं। अब भाई एक प्लेन है तो कहेंगे सर प्लेन को यहां पर चमकदार करना लिख दिए, ये प्लेन को हवाई जहाज होता है कि नहीं, तो भी होता है नॉन के लिए होता है लेकिन यहां पे क्या है एक भर्ब का सिंडिकेट मैं किया हूं, तो क्या होगा टू मेक ए पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी का टुकड़ा को चिकना करना, रंदा लगाते हैं ना रंदा है ना, रंदा लगाते हैं ना रंदा, जैसे लकड़ी हो गया या चौकी बना रहे हैं या बेंच बना रहे हैं उसमें रंदा चला के चिकना करते हैं ना, उसको मैं हम क्या बोलेंगे भाई प्लेन इसको कर दीजिए है ना, तो वो बोला प्लेन रंदा वाला नहीं, कौन सा प्लेन ये रंदा वाला प्लेन है ना। अब अगला चलेंगे प्रीफर, प्रीफर सारे लोग जानते हैं कि प्रीफर पसंद करना होता है ना, तो यहां पे ध्यान देंगे हम प्रीफर का मतलब क्या होता है पसंद या पसंद करना, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहां पे पसंद करना भी हो सकता है ना, तो ध्यान दीजिएगा टू लाइक वन थिंग्स और पर्सन, किसी एक को चाहना बेहतर बहुत अच्छा दूसरे से, यानी कि दूसरे से अच्छा किसी एक को चाहना मतलब ज्यादा चाहना है कि नहीं, तो उस स्थिति में आप प्रेफर का उपयोग कर सकते हैं। यहां देखिए प्रो प्रेफर, यहां प्रेफर है तो इसमें हम क्या करेंगे इसका मतलब प्रस्ताव भाई, तो कैसा प्रस्ताव प्रेफर का मतलब पीआर डाले पीआर प्रेफर माने पीआर ई आर सी आ पीआर डाले पी आर है ना, तो इसमें कैसा प्रस्ताव अब इसको हम देखेंगे, तो क्या होता है टू ऑफर समथिंग सच ए एडवाइस, मतलब भाई हम किसी को सलाह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं किसी को सलाह दे रहे हैं, उस स्थिति में हम प्रस्ताव कर रहे हैं भाई किसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं भाई ये काम तू कर लो ये काम कर लो, तो उस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं प्रोफर में कर रहा हूं किसी शब्द को है ना। तो आज की वीडियो में हम यही आज पढ़े कि जुड़वा शब्द का मैंने पूरा ही क्लियर किया हूं, तो ऐसा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह का मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बोले ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, आज के लिए यहीं तक, दैट्स ऑल।